everyone. Greetings from Gunjan IVF World. I am Dr. Garima Sharma, IVF consultant, gynecologist, and in charge of Gunjan IVF World, Janakpuri branch, New Delhi. आज हम बात करेंगे कि IUI फेलियर क्यों होता है, कि क्या कारण है कि मेरा IUI हुआ और फेल हो गया. तो पहले तो ये समझिए कि IUI मोर सिंपल प्रोसेस है और मोर टूवर्ड्स नेचुरल प्रोसेस है. इसमें बॉडी को ही, दैट इज़ कि आपके नेचर को ही सारा काम करना है, कि जो फर्टिलाइजेशन होना है, ट्यूब को आपके एग कैप्चर करना है, स्पर्म को ट्यूब तक पहुँचना है, फाइनली जो एम्ब्रियो बनना है और एम्ब्रियो को जाकर इम्प्लांट यूट्रस में होना है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेचर को करनी है. तो अगर जो हम IUI करते हैं उसमें करते तो बस सिंपली आपका एग बनाते हैं, उनको उसको रप्चर कराते हैं, फिर स्पर्म को एग के पास यूट्रस में डिपॉजिट कर देते हैं. बाकी सारा काम एग और स्पर्म को खुद ही करना है. तो कई बार ये काम नहीं हो पाता है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हो. तो IUI का सक्सेस रेट सब कुछ ठीक भी हो, कि आपकी सारी परफेक्ट चीज़ें हैं, तो भी 10-20% ही है. तो 80% केसेस में आफ्टर अ सिंगल IUI सक्सेस नहीं होगा, कि फेलियर हो जाएगा. इसीलिए तो फर्स्ट थिंग जो आपको होना है वो रियलिस्टिक होना है, कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो इडियोपैथिक कारण, कि कोई कारण पता नहीं चला, सब कुछ ठीक था और फिर भी अनसक्सेसफुल हो गया. दूसरा कारण होता है कि पेशेंट सिलेक्शन ठीक नहीं है, कि आप IUI के क्राइटेरिया में फिट ही नहीं होते हैं, कि आपकी ट्यूब्स तो ओपन ही नहीं थी और फिर भी आपका IUI हो गया. तो या फिर आपका ट्यूब का टेस्ट ही नहीं हुआ और बिना ट्यूब टेस्ट के चेक ही नहीं किया गया कि ट्यूब खुली थी या नहीं खुली थी, और सीधे IUI कर दिया गया. तो IUI से पहले आपकी ट्यूबल पेटेंसी, कि कम से कम एक ट्यूब तो ओपन हो, ये चेक होना चाहिए. अगर नहीं चेक हुआ होगा और कोई भी एक ट्यूब या फिर दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो IUI करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि रिजल्ट नहीं आएगा. या आपके एग नंबर है ही नहीं कुछ भी, या एग नंबर बहुत कम है, आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है, ऐसे केसेस में भी अगर एग ही नहीं होगा तो फिर IUI का कोई सक्सेस नहीं है. फिर अगर आपके सीमन पैरामीटर्स, हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, बहुत ही ख़राब है, काउंट जो है वो वेरी 5 मिलियन 1 मिलियन है, ऐसे केसेस में तो IVF ICSI की ज़रूरत होती है. लेकिन उसमें भी अगर IUI कर दिया, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसा होगा कि खाली पानी रख रहे हैं अंदर, तो IUI वुड नॉट बी सक्सेसफुल अगर आपके हस्बैंड के सीमन पैरामीटर्स बहुत ख़राब हैं. तो सेकेंड आता है कि आपका पेशेंट सिलेक्शन कैसे था. अगर पेशेंट ही प्रीरिक्विजिट नहीं फिल कर रहा है फॉर IUI तो रिजल्ट नहीं आएगा. फिर आता है कि आपने कहाँ IUI कराया है, क्लिनिक के स्पेसिफिकेशंस क्या थे. कई बार क्या होता है कि आप IUI कराने गए, डॉक्टर कहेगा कि अल्ट्रासाउंड इधर कराइए, फिर अल्ट्रासाउंड आप कहीं और करा रहे हैं, फिर आपकी रिपोर्ट डॉक्टर देख रहे हैं, फाइनली जब आपके IUI का प्रोसेस होना है तो सीमन जो है वो कहीं और प्रोसेस हो रहा है और वॉश होकर क्लिनिक में आ रहा है, फिर क्लिनिक में IUI हो रहा है. तो नॉर्मली जब हम कहते हैं बेस्ट IUI के रिजल्ट आने के लिए, तो फ्रॉम द टाइम ऑफ सीमन कलेक्शन, मतलब जब आपके हस्बैंड ने स्पर्म दिया उससे लेकर कब हमने IUI किया, उसका डिस्टेंस, उसका टाइम जो होता है 90 मिनट्स के अंदर होना चाहिए. तो अगर आपकी कहीं और सीमन प्रिपेयर हो रहा है और वहाँ से आपकी दूसरी क्लिनिक में आ रहा है और डिस टाइम ज़्यादा लग गया, तो स्पर्म तो लाइव होता है, इतना इतना ट्रैवलिंग ये सब में वो ख़राब हो जाएगा, तो IUI वुड नॉट बी सक्सेसफुल. तो इसीलिए ऐसा क्लिनिक चुने जहाँ पे आपका अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए वहीं होता हो, प्रोसेसिंग सीमन मेकिंग मतलब एंड्रोलॉजी लैब में जहाँ पे होता है वो वहीं होता है जहाँ पे क्लिनिक हो. क्योंकि जब एक बार सीमन प्रोसेस हो गया उसके बाद से इंसेमिनेट मतलब यूट्रस के अंदर जाने तक 5 मिनट में ये हो जाना चाहिए, मतलब प्रोसेस तैयार होने से उसको IUI प्रोसेस होने पर तक. अगर वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया तो भी स्पर्म के कंसंट्रेशन, स्पर्म के पैरामीटर्स ख़राब हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. और अगर आपकी लैब चेक नहीं कर, आपकी क्लिनिक चेक नहीं कर रही है कि आपका ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, बिना चेक करे अगर आपका IUI कर दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन हुआ नहीं होगा और आपका IUI कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा नहीं. तो इसीलिए
आप अपनी IUI की क्लिनिक ऐसी चुनें जहाँ पे सारी चीज़ें एक ही रूप में होती हों, अल्ट्रासाउंड भी होता हो, सीमन प्रिपेयर भी वही होता हो और प्रोसेस ऑफ IUI जो टेक्निक जो प्रोसीजर होता है वो भी उसी लैब में हो। देन एक और फैक्टर होता है जो फेल करता है, कई बार आप IUI के बाद ट्राई नहीं करते नेचुरली। हम जनरली एडवाइस करते हैं कि IUI के नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे भी आप ट्राई करें, क्योंकि नेचुरली आप IUI के बाद ट्राई करेंगे तो रिजल्ट्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं। तो यही थोड़े बहुत रीजंस हैं कि वाई IUI फेल्स। तो IUI फेलियर का मोस्ट कॉमनली होता है कि पेशेंट सिलेक्शन ठीक नहीं था, देन क्योंकि ये एक मोर काइंड ऑफ नेचुरल प्रोसेस भी है, इसमें कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस होती नहीं है, तो इसका वैसे भी सक्सेस रेट 10-20% होता है, इसलिए भी हो सकता है फेलियर हो और आपको मल्टीपल ट्रायल्स लगे इसको सक्सेसफुल आने में, कई बार 3-6 साइकिल लग जाती है। बट अगर 3-6 साइकिल के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आता है तो हम एडवाइस करते हैं यू शुड मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्टेप। सो दीज वर द बेसिक रीजंस व्हाई योर IUI फेल एंड आई होप आपको कुछ इनसे आंसर्स मिले होंगे। इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।